महाराज मैं एक बार सारी पर्चियां देखना चाहता हूँ। क्यों? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? गुरुवर, हमें पंडित रामकृष्ण की शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। जी, कर लीजिए अपनी संतुष्टि, कर लीजिए। धन्यवाद। आवश्यकता है। पंडित रामकृष्ण बहुत चतुर है, विशेष पर्चियां अवश्य देखेगा। जब पंडित रामकृष्ण अपनी पर्ची उठा लेगा तो गुरुद्वार वो कलश लेकर तुम्हारे पास आएगा और तुम पंडित रामकृष्ण के नाम की पर्चियां हटाकर हम तीनों के नाम की पर्चियां उसमें रख देना। पंडित रामकृष्ण यदि आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वर्ग हम चले जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, यदि पर्ची में मेरा नाम निकला है तो स्वर्ग भी मैं ही जाऊंगा। आपके और इस राज्य के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह मैं अवश्य करूंगा महाराज। भोजन ग्रहण कीजिए। महारानी तिरुमलम्मा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, बैंगन की खीर, भिंडी का मुरब्बा, करेले की रोटी। कीजिए ना महाराज ग्रहण। बड़ी महारानी जी, ये भोजन खाके तो हाँ महाराज प्रारंभ कीजिए। आज विशेष रूप से हमने आपके लिए कमल गट्टे की भाजी का सूरन भी बनाया है। वैसे तो सूरन छोटा छोटा काट कर ही बनता है, परंतु हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्बा पाक कला विशेषज्ञ है, इन्होंने पूरा का पूरा सूरन ही बना दिया। हमने मिष्ठान में आपके लिए विशेष रूप से गोभी का हलवा भी बनाया है। देखिए महारानी चिन्ना देवी, हलवे का नाम सुनते ही महाराज के मुंह में पानी आ गया, कुछ समय पश्चात नेत्रों से भी आएगा। आप पकवान बनाने में इतने निपुण जो हैं, क्यों महाराज? हमारी माँ भी यही कहती है कि महाभारत में भीम और रामायण में नल के बाद कोई पाक कला में निपुण है तो वो हम ही है। सत्य कहती है आप। अयो, हमने तो एक विशेष व्यंजन और बनाया था महाराज, हम आपके लिए लाना ही भूल गए, हम अभी लेकर आते हैं। शीघ्र जाइए। महारानी चिन्ना देवी, हमने कभी आप पर कोई अत्याचार किया है? नहीं। आप पर कभी क्रोधित हुए हैं? कदापि नहीं। आपके किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न किया है? नहीं महाराज। तो फिर किस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे? ऐसे भयानक भोज पर हमको आमंत्रित करने से पूर्व आप तो हमारे बारे में एक बार सोचना तो चाहिए। आप हमें मृत्यु के मुख में क्यों डाल रहे हैं? मृत्यु के मुख में तो आप पंडित रामकृष्ण का प्रवेश करवा रहे हैं महाराज, आपको भली भांति ज्ञात है इस प्रकार कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मात्र एक शर्त में विजय होने हेतु कोई ऐसा करता है क्या? महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण के पास इस समस्या से निकलने का अवसर है, हमारे पास नहीं है। ये भोजन ग्रहण करके हमारी मृत्यु तो निश्चित है महाराज। देखिए बड़ी महाराज, ये है विशेष व्यंजन, केले के पत्ते का पान। भोजन के पश्चात इसे अवश्य ग्रहण कीजिएगा। केले के पत्ते का पान, भोजन के पश्चात अवश्य ग्रहण करेंगे भाई। महाराज
दो दिन के पश्चात अमावस्या की रात है और दो दिन के बाद रामकृष्णा इस संसार से साफ हो जाएगा। पर एक बात की चिंता मुझे खाए जा रही है गुरुवर, अगर लोगों को पता चल गया कि हमने मिथ्या स्वप्न बताया है तो महाराज तो हमें दुनिया से ही साफ कर देंगे। चिंता मत करो मंगली सतैया, कुछ नहीं होगा। दो दिन पश्चात ये तांत्रिक दूर, बहुत दूर जा चुका होगा। पंडित रामकृष्ण वो तो साफ कर देंगे। आखिरकार बुड्ढे ने पंडित रामकृष्ण को फसाई दिया। बहुत चंट है बुड्ढा। गुरुजी, अगर उस दुष्ट पंडित ने चिता पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या होगा गुरुजी? हम इस मूषक को देखते हैं। क्या गुरुजी, जीवित मनुष्य को भस्म करने की बात कहते हैं, इस मूषक को भस्म करके दिखाइए। अब हम इस मूषक को जीवित नहीं छोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रामकृष्णा को मारने का सोचा और आप कहीं मुंह काला हो गए। आप रामकृष्णा को जीवित चलाना चाहते हैं? गुरुजी, इस पाप कर्म को करने से प्राण एक युग तक नरक में जलते हैं। ब्रह्म हत्या है ये। क्या हमें तो पूर्ण विश्वास है। और आप क्या करेंगे गुरुवर? हम उसे पकड़वा देंगे, सब उसे राजदूत समझेंगे। हम महाराज से कहकर उसे निष्कासित करवा देंगे राज्य से हमेशा के। यही हमारी योजना है कि वो डर कर भाग जाए हमेशा हमेशा के। इसे जो भी समझना हो समझता रहे, अब तो मैं विजयनगर कभी लौट कर नहीं आने वाला। अरे शीघ्र करो, रात्रि के अंधकार में निकल जाते हैं। पर क्यों? क्यों? क्योंकि केवल कल का दिन ही शेष है। कल के दिन के पश्चात दिन के प्रकाश में मैं भस्म हो जाऊंगा। चलो चलो। इसमें क्या है? प्याज जो मैंने जमा की थी। लो, जमा की थी या चोरी की थी? जाने दे इसे, यहीं रहने दे। चल 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 जल्दी जल्दी। अम्मा कह रही हैं ये कुछ सामान भूल गई हैं। अरे अम्मा रहने दो, इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। ये वो माया खोलो। चलो अम्मा कह रही है इसी दुनिया में रहना है, ऊपर नहीं जाना है, इसीलिए तो भाग रहे हैं। अब जब जीवित ही रहना है तो फिर खाली हाथ क्यों आए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ करो। चलो चलो। क्या हुआ? अम्मा कह रही है लड्डू की टोकरी पीछे भूल गए, अब रास्ते में भोजन चाहिए होगा तो क्या करेंगे? अम्मा हम नगर छोड़कर भाग रहे हैं जीवन बचाने के लिए, वहाँ प्रीति भोज में सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे हैं। चलो तो खाना है। अरे अब क्या होगा? हम एक काम तो भूल ही गए। अब क्या भूल गए? क्या रह गया? हम द्वार पर ताला लगाना भूल गए। ये शारदा, हम इस नगर को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, वापस लौट कर नहीं आने वाले। जाने दो सब, चलो। परंतु अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो ये योजना निरस्त कर देंगे, फिर स्वर्ग जाएगा कौन? महाराज कह रहे थे यदि मैं नहीं गया तो वो स्वयं स्वर्ग चले जाएंगे। हाँ चलो। जी अम्मा, इस तरह से चलती रहोगी धीरे धीरे तो हम फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, जल्दी चलो। अम्मा कह रही है हम पलायन कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है, हम महाराज के प्रति अपना दायित्व भूल रहे हैं। क्यों? महाराज ने हमें घर दिया, दरबार में पद दिया, अपनी प्रजा और हमारी सुरक्षा के लिए सातों पहर चिंतित रहते हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बिना
तुम सत्य कह रही हो? मैंने ही महाराज की सुरक्षा का दायित्व लिया है, उन्हें वचन भी दिया है। ये तो निष्ठा के विपरीत होगा ना। बताओ ना अम्मा, क्या करना उचित होगा? तुम महान हो अम्मा, आज तुमने अपने हृदय पर पत्थर रखकर मुझे मेरी दुविधा से उबार दिया। चलो पुनः घर चलते हैं। अब देखना यह है कि पंडित रामाकृष्ण क्या करता है। हमें तो शत प्रतिशत विश्वास है कि वो यहाँ उपस्थित ही नहीं होगा। जान बचाकर भाग गया होगा, हमारे समक्ष क्या कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सत्य वचन। हमारी योजना तो प्रारंभ होने से पहले ही सफल हो गई। मांग ली सतैया, आखिर आपका स्वप्न सच हो ही गया। महाराज, हम मान लेते हैं कि हम आपसे शर्त हार गए। अब आप अपने इस प्रकरण को समाप्त करने का आदेश दें। महारानी। महाराज, आपको पंडित रामकृष्ण जैसा स्वामी भक्त और चतुर सभासद नहीं मिले। परंतु महाराज पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड थोड़ी ना दे रहे, वे तो उन्हें स्वर्ग गमन पर भेज रहे हैं। महाराज, यदि आपने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया तो आपकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा और साथ ही साथ हमारी भी। छोटी महारानी जी ठीक कह रही है, हमने पंडित रामकृष्ण को केवल स्वर्ग जाने का आदेश दिया है, कोई आघात नहीं पहुंचा है। पर महाराज, और आप भी भलीभांति जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके नाम का चयन हुआ था। मंत्रीवर, महाराज पंडित रामकृष्ण कहाँ है? महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण को प्रातःकाल से किसी ने नहीं देखा, कहीं वो डर कर विलुप्त तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, अब पंडित रामकृष्ण नहीं आने वाले, भाग गए। अच्छा, रामकृष्ण आए नहीं। चुके आज यहां एक इतिहास रचा जाएगा। प्रथम अवसर होगा जब कोई व्यक्ति
शिव 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 भगवान बचाइए। कितना विचित्र प्राणी है हमारा पिता। जय पुण्य आत्मा, हमारे महाराज के लिए आज इस अमावस्या को इस प्रज्वलित चिता की अग्नि पर आरुद्ध होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां हमारे महाराज के स्वर्गीय पिता नरसा नायक जी से भेंट कर उनकी समस्या ज्ञात करेंगे। महाराज शांत हो जाइए महारानी जी। विजयनगर वासियों, पंडित रामकृष्णा अगली अमावस्या को वापस पधारेंगे और महाराज के पिता श्री की दुविधा से हम सबको अवगत करवाएंगे। जीवन आपको समर्पित है महाराज। मैं स्वर्ग प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हूं। आपकी प्रतीक्षा करेंगे पंडित रामकृष्ण और अगले अमावस्या पर भेंट होगी। Okay.